हेलो दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रहे हैं इस ओरपेट के शानदार ब्लेंडर की। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी गर्मियां चल रही है, तो गर्मियों के अंदर हमें बनाना शेक, मैंगो शेक, ठंडाई वाला दूध या रोबजा वाला दूध बनाने की सख्त जरूरत महसूस होती है। तो उसके अंदर हमें ब्लेंडर और उसके अंदर भी एक अच्छे ब्लेंडर का ऑप्शन हमारे पास मिलता है, वो है ओरपेट का ब्लेंडर। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में हम इसके नोशलेस फीचर को चेक करने वाले हैं और साथ ही ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, तो प्लीज इस वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिए। दोस्तों आइए इस प्रोडक्ट को देखने से पहले इसके कार्ड बॉक्स पर नजर डालते हैं। ये देखिए इस साइड ऑफ द कार्ड बॉक्स कुछ हमें बेसिक फीचर मिलते हैं, साथ इसकी जो मोटर है वो 250 वोल्ट की मिलती है, जिससे ना ज्यादा नॉइस हो, साथ इसकी जो स्पीड है वो मेंटेन है ताकि हम जो भी चॉप पीसेस बनाना के मैंगो के अंदर डालें वो इजिली ग्राइंड हो जाए। और फ्रंट ऑफ कार्ड बॉक्स देखें तो ये देखिए नॉर्मल ब्रांडिंग की मिलती है, और ऊपर ऑफ द कार्ड बॉक्स देखें तो ये देखिए कुछ हमें बेसिक डिटेल्स दी जाती है, साथ ही इसकी जो वारंटी है वो 1 ईयर की मिलती है। दोस्तों मैं आपको ये चीज इंश्योर कर देना चाहता हूँ कि इसकी जो वारंटी है वो मोटर पर मिलती है, ना कि कोई और चीज पर। तो आप इस चीज को ध्यान में रख के इसे यूज करें कि इसकी जो वारंटी है वो केवल हमें मोटर पर मिलती है। तो आइए दोस्तों एक बार इस प्रोडक्ट को देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों साथ ही हमें ये हैंडल मिलता है और इसके स्क्रू मिलते हैं। आप इसे दीवार में आसानी से फिट कर सकते हैं और ये दीवार के अंदर भी बिल्कुल इजिली फिट हो जाएगा, ना वहां से ज्यादा गिरेगा, कुछ इस तरह। ये देखिए दोस्तों ये जो ब्लेंडर स्टैंड है कुछ इस तरह दीवार के अंदर आसानी से फिट हो जाएगा। तो ये जो हमारा ब्लेंडर है ये देखिए इसके जो पतली वाला एरिया है हम इसके अंदर इस थोड़ा ऊपर से करके ऐसे फिट कर देंगे, और ये जो एक्स्ट्रा वायर है इसके साइड वाले होल से पास आउट कर देंगे। और ये देखिए काफी स्टर्डी हैंडल है हमारा इस ब्लेंडर स्टैंड का, तो ये काफी ज्यादा अच्छी तरह इसके ऊपर लटका रहेगा, जल्दी से गिरेगा नहीं। आइए प्रोडक्ट को देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों ये है वो हमारा ओरपेट का ब्लेंडर, और साथ इसकी जो वायर है ये देखिए काफी ज्यादा अच्छी लेंथ की 1 मीटर से लंबी वायर दी जाती है, मतलब आपका स्विच है थोड़ी दूर है तो आप इजी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये प्रोडक्ट आपको एक नॉमिनल प्राइस से मिल जाएगा। अगर आप सिमिलर प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो मैं इसका एक बाय लिंक, एक अफिलेट बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। दोस्तों इसके कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसके अंदर हमें केवल एक ही कलर कॉम्बिनेशन मिलता है, वो है व्हाइट कलर का, जो कि काफी अच्छा व्हाइट कलर का ऑप्शन हमें दिया गया है, कोई हमें और कोई कलर वैरायटी इसके अंदर नहीं दी गई है। साथ ही हम इसकी डिजाइन की बात करें तो ये देखिए काफी ज्यादा सुंदर डिजाइन दिया गया है इसका हमारे साथ। ये देखिए इस साइड वायर का कनेक्शन है, और ये देखिए यहाँ पे ये बटन दिया गया है। दोस्तों मैं इसका बटन का फीचर बताऊं दोस्तों तो इसका वन टाइम फीचर नहीं है, मतलब एक बार हम इसे प्रेस कर देंगे और मोटर चलती रहेगी, ऐसा फीचर नहीं है। हमें इसे कंटिन्यूसली प्रेस करते रहना है जब तक हम इसका यूज करना चाहते हैं, और जैसे हम इसको बंद करना चाहते हैं मतलब इसका यूज नहीं करना चाहते तो हम इसके बटन को अप्रेस कर देंगे, मतलब खुल छोड़ देंगे, तो ये मोटर अपने आप धीरे धीरे करके बंद हो जाएगी। हम नीचे की तरफ देखें तो ये देखिए ये हमें स्टील की स्टेनलेस स्टील की काफी अच्छी क्वालिटी की ब्लेड दी जाती है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई ब्लेड है इसकी कोई, मतलब थोड़े टाइम बाद ये ब्लंट मतलब कम थिकी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आप नॉर्मली इसे छोटे पीसेस जैसे बनाना है मैंगो के अंदर यूज करेंगे तो नॉर्मली काफी लंबे समय तक चलती रहेगी। दोस्तों मैं इसका एक और एप्लीकेशन बताऊं, जैसे कि हम नॉर्मल घरों में मिक्सी यूज करते हैं सुजाता की या कोई और कंपनी की, तो उसके लिए हमें एक पर्सनल एप्लीकेशन लगानी पड़ती है कि हमें उसके एक स्टेप बाय स्टेप उसे असेंबल करना पड़ता है, और फिर जब इसे यूज कर लें तो उसे धोने में भी काफी ज्यादा टाइम लगता है, तो उस एफर्ट्स को हमारे सेव करता है वाली मशीन। दोस्तों मैं क्लीनिंग से रिलेटेड इसकी बात करूं तो ये देखिए हमें इसे कुछ इस तरह टेढ़ा रख के क्लीन नहीं करना है, क्योंकि जब भी हम इसे क्लीन करेंगे तो हो सकता है ऐसे जब क्लीन करेंगे तो पानी है वो मोटर के अंदर चला जाएगा और आपका लंबे समय तक ये प्रोडक्ट नहीं चल पाएगा। तो हम इंश्योर करें जब भी इसे क्लीन करें तो टैप के अंदर नीचे रखकर इसे कुछ इस तरह ऐसे हाथ से साफ करें, या हमारे पास ये सॉफ्ट वाले स्कॉच ब्राइट भी अवेलेबल होते हैं उससे आसानी से साफ हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके हमें इसे क्लीन नहीं करना है। तो आइए दोस्तों अब चेक करते हैं इसकी नॉइसलेस कैपेसिटी की कि ये कितना शोर करता है। नहीं इतना शोर तो नहीं करता हो कि जब हम इसे घरों के अंदर यूज करेंगे तो पूरा चारों तरफ शोर ही शोर हो जाएगा, तो आइए चेक करते हैं। देखिए मैं इसे नॉर्मली स्विच के अंदर लगा दूंगा, ये बटन ऑन कर दूंगा, और जैसे मैं इसका बटन ये देखिए प्रेस करूंगा आप मोटर की आवाज साफ सुन सकते हैं। दोस्तों इतना ज्यादा इसके अंदर शोर नहीं है, मतलब नॉइसलेस तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते बिल्कुल जीरो नॉइस है इसके अंदर, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत नॉइस है जो कि नॉर्मल बात है। दोस्तों अगर कोई चीज रोटेट हो रही है, कोई हाई स्पीड पे कोई चीज रोटेट हो रही है तो इतनी नॉइस तो आएगी। साथ ही हम इसके बटन का फीचर भी देख लेते हैं। ये देखिए हम इसे कंटिन्यूस प्रेस करेंगे तो ये देखिए मोटर चलती रहेगी, और जैसे हम इसे प्रेस कर देंगे छोड़ देंगे ये धीरे धीरे करके मोटर बंद हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों ये काफी ज्यादा हेल्पफुल प्रोडक्ट आपके किचन के अंदर होने वाला है, तो प्लीज इस प्रोडक्ट को अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर इसे परचेस कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स।